ये देखो यार, यहाँ का किंग है ये। ओ माय गॉड, ओ गाइस, एक और है यहाँ पर फायर गॉड जिला। मैंने सोचा था एक ही है, वो देखो कितना मायावी है वो गुमोर है। सो गाइज फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे कई महीनों से इंतजार था, क्योंकि गाइज जो अभी आप मेरी गाड़ी देख रहे हो ना, ये काफी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है जिसके ऊपर मैं कई महीनों से लगा हुआ था कि मैं इसको किसी तरह कंप्लीट कर लूं। और गाइज अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक फ्यूचरिस्टिक कार को क्यों बना रहा था, तो अभी मैं इसका सीन पूरा समझाता हूं कि इसका पूरा सीन क्या है। दरअसल गाइज मेरे साथ 2 या 3 महीने कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे पता लगा था कि GTA 5 की दुनिया में कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी हैं जहां पर जाकर हम सीधा गॉडज़िला की दुनिया में टेलीपोर्ट हो सकते, यानी कि गाइस हम एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहां पर हमें कई तरह तरह के गॉडज़िला देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए गाइस फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा, यानी कि एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें मैं बैठकर उन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू उनकी दुनिया में जा पाऊं और वहां के एडवेंचर का मजा ले पाए। तो गाइस जैसा कि भी आप देख सकते हो, ये एक काफी फ्यूचरिस्टिक कार है जिसके थ्रू हम उन कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। और गाइस जो अभी आप मेरे सामने ये एक रोवर देख रहे हो, इसको भी मैंने एक स्पेशली डिजाइन किया है, क्योंकि गाइस ये एक इनविजिबल रोवर है। मतलब कि जब हम गॉडज़िला की दुनिया में जाएंगे तो गाइज मुझे लगता है कि वहां पर काफी ज्यादा खतरा होने वाला है, तो इसीलिए फिर मैंने एक इस इनविजिबल रोवर को बनाया था, क्योंकि हम वहां पर इस कार को तो चला नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम अपने साथ इस रोवर को ले जाएंगे और वहां पर इनविजिबल होकर गॉडज़िला की दुनिया में हम घूमने वाले हैं। तो गाइज अभी इस पर बस थोड़ा सा काम ही बाकी है इस कार पर, उसको मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूं और अपने स्पेशली डिजाइन क्लोथ्स को भी पहन लेता हूं ताकि हम जल्दी से वहां पर जा पाए और पूरे एडवेंचर का मजा ले पाए। सो ऑलराइट गाइज, अभी आप देख सकते हो कि हमारा फ्रैंकलिन पूरी तरह से रेडी है और हमने अपने स्पेशली डिजाइन क्लोथ्स को भी पहन लिया है और साथ में हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी लिया है, क्योंकि गाइज मुझे पता लगा है कि गॉडज़िला की दुनिया में है ना नाइट्रोजन गैस ज्यादा है और वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और साथ में मैंने कुछ स्टिकी बॉम्ब्स और कुछ अलग तरह के वेपन्स भी लिए हैं जो हमें वहां पर काम आने वाले हैं। और मैं अभी आपको दिखा दूं कि ये हमारा वो स्पेशली डिजाइन रोवर है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा कूल बनाया है और ये हमारी गाड़ी तो गाइज है ही सबसे ज्यादा कूल। तो गाइज जल्दी से हम उस एडवेंचर पर चलते हैं और चलने से पहले अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं जल्दी से इस कार में बैठता हूं और गाइज ये वाला रोवर है जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली रोवर है, इसको मैं अपनी पॉकेट में छोटा करके डाल लूंगा। सो गाइज अभी हम उस पहाड़ी पर आ चुके हैं जहां पर हमारे लिए वो कोऑर्डिनेट्स खुलने वाले हैं और मैं जल्दी से अपनी इस कार के एक नए फीचर को एनेबल कर लेता हूं जो कि आप देखना कितना कूल होने वाला है। गाइज ये सिस्टम देखो इसका, मतलब हमारी ये गाड़ी हवा में उड़ सकती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये काफी फ्यूचरिस्टिक कार है। और गाइज हमारे सामने वो कोऑर्डिनेट एनेबल हो चुका है और हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी। और गाइज हम उस डायमेंशन में एंटर हो चुके हैं। तो गाइज हम फाइनली यार उस दुनिया में आ चुके हैं जहां पर हमें काफी ज्यादा गॉडज़िला मिलने वाले हैं। और गाइज यहां पर देखो दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी है और यहां पर एक छोटा सा टापू है, आई थिंक यहां पर हमें काफी ज्यादा गॉडज़िला मिलने वाले हैं। और गाइज यहां पर हमारी कार उड़ नहीं पा रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया कि इसके फीचर एनेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये देखो ये उड़ ही नहीं पा रही है, ओ माय गॉड। गाइज मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपना रोवर निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं लेना चाहता, क्योंकि यार यहाँ पर काफी अजीब तरह के जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो गाइज मैं चलो जल्दी से अपना एक बार रोवर निकाल लेता हूँ। सो गाइज अभी आप देख सकते हो कि हमने अपना स्पेशली मेड रोवर निकाल लिया है और हमारा फ्रैंकलिन इसके अंदर बैठ कर घूम भी रहा है। और गाइज हम इसके अंदर बैठ कर ही इस पूरे आईलैंड को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई थिंक यार गाइज मुझे कोई गॉडज़िला दिख जाए ना गाइज काफी ज्यादा मजे आ जाएंगे। और गाइज ये देखो यार हमारा रोवर काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखो काफी ज्यादा ही खतरनाक है। गाइस मुझे यहां पर डियर दिखा है, गाइस यहां पर भी लाइफ है यार, कितना अजीब टापू है, यहां पर भी लाइफ है। मुझे वहां पर गाइस कुछ दिख रहा है, गाइस मुझे वहां पर कुछ दिखा, ओ माय गॉड गाइस ये देखो कितना बड़े दो गॉडज़िला, ओ माय गॉड यहां पर दो गॉडज़िला है गाइस। ये देखो आराम से बिल्कुल आराम से बाहर जाएंगे और यहां पर हम इनको देखेंगे। ओ भाई साहब कितने बड़े गॉडज़िला हैं यार, ओ माय गॉड। बिल्कुल धीरे धीरे आसपास जाएंगे, ओ माय गॉड गाइस एक तो आइस गॉडज़िला है और एक बिल्कुल नॉर्मल गॉडज़िला है। जल्दी से यार हम अपने इसमें बैठ जाते हैं रोवर में, कहीं ये हम पर हमला ना कर दें। और गाइस इसका कांच हमने इतना ज्यादा मजबूत लगाया कि कोई भी गॉडज़िला हमें कोई हार नहीं पहुंचा सकता। ओ माय गॉड हम वहां पर क्यों जा रहे हैं, ये हमें यार कहीं देख ना ले। मैं जल्दी से अपना फ्लाई मोड एनेबल करता हूं जिसके बाद हम पानी के ऊपर भी तैर सकेंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। ओ माय गॉड गाइस यार कितने बड़े बड़े गॉडज़िला हैं गाइस, एक आइलैंड पर हमें दो गॉडज़िला आसपास दिखे हैं। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि इस आइलैंड पर यार और भी गॉडज़िला होंगे।
चलो आगे जाकर एक्सप्लोर करते हैं। ओ माय गॉड ओ भाई साहब, एकदम से गोडजिला आ गया गाइस। ये देखो, एक गोडजिला इधर है। ओ भाई साहब, ये भी कितना बड़ा है यार। ओ भाई, मतलब यार वो कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही थे, हम गोडजिला की दुनिया में आ चुके हैं। ओ भाई साहब, चलो गाइस उस आइलैंड पर चलते हैं, वो हमारे सामने बिल्कुल ठीक सामने है, देखते हैं कि उस पर क्या है। गाइस यार काफी ज्यादा मजे आ रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने में। ओ भाई, कहाँ पर गए वो गोडजिला? गाइस वो देखो, गोडजिला सारे गायब हो गए। ओ अभी यहाँ पर आ गए। ओ भाई गॉड, वो देखो वो क्या कर रहा है वो गोडजिला। ओ भाई साहब, यहाँ पर दो दो गोडजिला है यार, ये कहीं हमें देख ना ले यार, शायद मुझे इन्हें देख लिया होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर खड़ा करते हैं और इनकी कुछ पिक्चर्स लेते हैं। ओ माय गॉड, मुझे यार यहाँ पर आराम से उतरना चाहिए था। गाइस इस गोडजिला की मैं पिक्चर लेता हूँ, जल्दी से अपना फोन निकालता हूँ और एक पिक्चर तो यार इनकी बनती है। ओ भाई साहब यार, गाइस हमने गोडजिला की दुनिया को ढूंढ लिया, जल्दी से एक पिक्चर लेता हूँ इस गोडजिला की। ओ गाइस, एक पिक्चर तो हमने ले ली है, चलो एक पिक्चर और लेते हैं इसकी। मैं बिल्कुल पास से इसकी पिक्चर लेना चाहता हूँ। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं यहाँ पर, नहीं मुझे इसकी पिक्चर पास से लेनी होगी। जल्दी से बिल्कुल आराम आराम से पास में जाएंगे और वहाँ से इसकी पिक्चर लेंगे। यहाँ पर बैठता हूँ मैं और यहाँ से एक पिक्चर और निकालता हूँ इसकी। ओ भाई साहब, ओ गाइस यार, देखने में कितना ज़्यादा खतरनाक है। गाइस ये देखो यार, इसकी टेल देखो। ओ भाई साहब, कितना खतरनाक यार। गाइस इसके टीथ देखो, दांत देखो। ओ भाई, एक पिक्चर और निकाल ली। गाइस हमने यार गोडजिला के आइलैंड को डिस्कवर कर लिया, कितनी अमेजिंग बात है। जल्द से गाइस मुझे यहाँ पर इनका डीएनए लेना होगा, ताकि मैं इनके डीएनए को अपनी दुनिया में ले जाऊं और वहां पर जाकर हम एक गोडजिला को फिर बनाएंगे और उसको अपनी दुनिया की लैब में दिखाएंगे लोगों को। तो गाइस मैं जल्दी से अपने रोवर में दोबारा बैठता हूँ। गाइस मैं यहाँ पर इस आइलैंड को और डिस्कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि इस आइलैंड पर एक किंग गोडजिला है जो कि सिर्फ रात के टाइम ही निकलता है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। गाइस मुझे उसे भी देखना है, तो उसके लिए मैं इस आइलैंड को पहले तो डिस्कवर करूंगा दिन में, पूरे दिन में, और रात में हम उस गोडजिला को भी देखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं अपने इस रोवर में बैठता हूं और यहां पर पूरे आइलैंड को डिस्कवर करते हैं। गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूं मुझे कितनी ज्यादा अमेजिंग चीज मिली है, वो देखना हमारे ठीक बिल्कुल सामने देखना। वो देखो गाइस, कितने सारे छोटे छोटे गोडजिला हैं। वो देखो कितने ज्यादा गोडजिला हैं उधर। ये देखो, आइस गोडजिला भी और सिंपल गोडजिला भी है। और ये देखो हमारे ठीक सामने यहां पर कितने बड़े बड़े गोडजिला है। गाइस यार काफी अमेजिंग यार दुनिया है, ये काफी अमेजिंग आइलैंड है। और गाइस जल्दी से हम यहाँ पर अभी रात होने का वेट करते हैं और रात को आपको दिखाता हूँ कि सबसे अमेजिंग चीज तो हमें रात को ही दिखने वाली है। तो गाइस चलो जल्दी से अभी रात होने का वेट करते हैं। सो गाइस अभी आप देख सकते हो चारों तरफ काफी ज्यादा रात हो चुकी है और अभी आपको वो सबसे अमेजिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, कितना बड़ा फायर गोडजिला है यार। आई थिंक ये यहाँ का किंग होगा। ओ माई गॉड, आइस गोडजिला भी है यहाँ पर। ये देखो रात में कैसे चमक रही है। ओ माई गॉड गाइज, आपने ये देखा, यहाँ का जो मून है वो रेनबो मून है। वो देखो गाइज हमारे बिल्कुल ठीक सामने है, यहाँ का मून जो है वो कि एक रेनबो मून है। सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज तो गाइज ये है, ये देखो यार यहाँ का किंग है ये। ओ माई गॉड, ओ गाइस एक और है यहाँ पर फायर गोडजिला, मैंने सोचा था एक ही है। वो देखो कितना मायावी वो गुमोर है। ओ माय गॉड गाइस, ये मुझे कुछ नहीं कह रही है। ये देखो, इन पर टॉर्च मारता हूँ, ये देखो ये मुझे कुछ भी नहीं कह रही है। वो देखो यहाँ पर दो दो हैं। सो गाइस अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इस फायर वाले गोडजिला का जल्दी से डीएनए निकाल लेता हूँ और उसके बाद जल्दी से हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे और फिर वहां पर एक सेम टू सेम ऐसा ही गोडजिला बनाने की ट्राई करेंगे। मैं जल्दी से अपनी एक स्पेशली मेड गन से इसका डीएनए निकाल लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी वो स्पेशली मेड गन निकाल ली है और उसके बाद मैं इस पर जल्दी से एक हमला करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इसे क्या होगा। जल्दी से मैं इसका डीएनए कैप्चर कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, मैंने इस पर हमला कैसे, कुछ भी नहीं हुआ। एक और हमला, एक और हमला, एक और
ओ इसे कुछ हुआ यार, ये किस तरह गिर गया? ओ माय गॉड, भागता हूँ यहाँ से। ओ माय गॉड यार, इसने तो डरा ही दिया था। गाइस, हमने इस गॉडजिला के डीएनए को थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है और वो हमारे लिए काफी है। मैं जल्दी से अपनी उस गाड़ी को यहाँ पर बुलाता हूँ और जल्दी से अपनी दुनिया में चलते हैं, क्योंकि गाइस मुझे अब थोड़ा सा डर लग रहा है। मुझे लगता है कि वो गॉडजिला उस पर हमला हुआ था, वो हम पर हमला करने के लिए आएगा। गाइस ये देखो, वो गॉडजिला एकदम से गायब हो जाते हैं और जब हम उनके बिल्कुल नजदीक जाते हैं तभी हमें वो दिखाई देते हैं। गाइस काफी मिस्टीरियस आइलैंड है यार ये तो। सो गाइस अभी हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और जल्दी से अपने फ्लाई मोड को एनेबल करते हैं और जल्दी से अपने कोऑर्डिनेट्स को ओपन करके अपनी दुनिया में चल पड़ते हैं। तो फ्रैंकलिन जल्दी चल यार, कहीं वो दोबारा से आ ना जाए। गाइस सबसे मिस्टीरियस थिंग ये देखो, यहाँ का मून यार ये देखो कितना अमेजिंग है। ओ माय गॉड गाइस ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। सो गाइस अभी आप देख सकते हो हम फाइनली अपने लॉस सैंटोस में सक्सेसफुली आ चुके हैं और गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम गॉडजिला की दुनिया में गए थे। और गाइस जिस वाली कार ने काफी अच्छे तरीके से काम किया और हमारे रोवर ने भी, जिसकी मदद से हम वहां पर इजीली घूम पाए और उस गॉडजिला का डीएनए ले आए। तो गाइस जल्दी से मैं अपनी गाड़ी से निकलता हूं क्योंकि मुझे काफी सिकनेस हो रही है और काफी अजीब सा लग रहा है। सो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने वहां पर काफी ज्यादा मजे किए और मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं। और गाइस हम सक्सेसफुली गॉडजिला का डीएनए लेके आ चुके हैं और उसकी मदद से हम अपनी लैब में एक नया गॉडजिला कल बनाने वाले हैं। तो गाइस अगली वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें हम एक नए गॉडजिला को अपने लॉस सैंटोस में बनाएंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही।